क्या लगता है कि तुम बाहर जाओगी, सबसे ये बात कहोगी और सब तुम्हारा यकीन कर लेंगे? तो सच ये है कि तुम्हारी किस्मत ही ऐसी फूटी हुई। तैयार हो क्या? था हम खेलेंगे। मुझे बात करनी है। मुझे खेलोगी तुम मेरे फ्रेंड्स? और मैं दोबारा गुस्सा नहीं करूंगा। सॉरी। ये भगवान कैसे रहेंगे हम यहाँ? कैसे जिएंगे ऐसी जिंदगी? इस घर में हर्षी को जानवर की तरह काबू किया जाता है और हमें एक कैदी की तरह। पापा, हमें ना बहुत अजीब सा लग रहा है। जब से दी की शादी हुई है ना, उसके बाद से उनका फोन ही नॉट रीचेबल आ रहा है। हाँ बेटा, बहुत अजीब है। जानकी कभी भी अपना फोन बंद नहीं रखती है। या मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ भी गलत किया है। लेकिन वंदना, अभी जो कुछ भी हुआ है उसके बाद जानकी को हम मनाएंगे कैसे? और मम्मी जी, वो एकदम सही कह रही है। अभी जानकी हमारे कंट्रोल में तो है नहीं। अपना मुंह खोल दिया कहीं तो मुंह दिखाए के बदले मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे कहीं। ये तुमने ठीक नहीं किया वंदना, प्लीज कैंसिल द मुंह दिखाइए। वंदना ने बिल्कुल ठीक किया है। शास्त्री मेंशन में जो हो रहा है वो शास्त्री मेंशन के बीच ही रहना चाहिए। बाहर वालों के सामने हमें बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करना चाहिए, जैसे वंदना ने किया है। मुंह दिखाई आज है तो आज ही करो मुंह दिखाई। मैं नहीं चाहता हर्ष के बारे में कोई गॉसिप क्रिएट हो, कोई सस्पेंस क्रिएट हो। आज हमारी कंपनी के शेयर्स प्रॉफिट में चल रहे हैं क्योंकि सबको पता है कि हमारे बाद हमारा विजनरी बेटा हर्ष ये कंपनी संभालने वाला है। इसलिए हर्ष के बारे में एक भी गलत इंफॉर्मेशन बाहर नहीं जानी चाहिए। Understand? मैं अगर अपनी गुड़िया की हेल्प करूंगा ना तो वो मेरी दोस्त बन जाएगी, लेकिन मैं कैसे करूंगा? शक्कर कहाँ रखी है? शक्कर? मुझे मालूम है, मैं आता हूँ। मैं बचा लिया। वो आपने कहा था ना कि अपनी गुड़िया का ख्याल रखना, मैंने रखा है दादी। आपका तो ठीक है ना बेटा? ख्याल रखे वो ऐसे वो किया और ऐसे हुई हो गई थी तो मैंने पानी में डाल दिया और मैंने बचा लिया। अच्छा किया। I'm sorry। बहुत अच्छा किया बेटा। मैं कहाँ जा रही हूँ? I'm a good boy। I'm sorry। मैं गुस्सा नहीं करूँगा। उसको बोलो कहाँ जा रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ? सोचा था कि तुम्हारे प्यार और तुम्हारे समर्पण से ऐसा चमत्कार होगा कि हमारा हर्ष एकदम नॉर्मल हो जाएगा, बिल्कुल पहले की तरह। इसीलिए हमने तुम्हें चुना है बेटा। दादी, हम एक चीज मांगे, आप हमें देंगे प्लीज? हाँ बेटा बोलो। हमें सिर्फ एक बार अपने पापा से बात करने देंगे? नहीं बेटा,
तुम्हारे परिवार वालों से या किसी और से बात करने की इजाजत हम तुम्हें नहीं दे सकते। हम क्या हमारे घर में से कोई भी तुम्हें इजाजत नहीं देगा? इसका मतलब ये नहीं है कि हम तुम्हें तुम्हारे परिवार से दूर रखना चाहते। हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे दादी, प्लीज। थोड़े समय की बात और है बेटा, थोड़ा वक्त दे तो हमें, फिर देखना तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि ये हम सब तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं। थोड़ा वक्त बेटा। दादी, वो मुंह दिखाई के लिए मेहमान आने ही वाले होंगे, टाइम पे रेडी हो जाना जानकी। किसी और के लिए ना सही, अपने ससुराल की इज्जत के खातिर इस मुंह दिखाई की रस्म को निभाने के लिए नीचे जरूर आ जाना बेटा। ये इस दादी की विनती है तुमसे। ऐसा मत करिए आप। अच्छा मुझे बताओ क्यों नाराज हो? क्योंकि मेरी गुड़िया मुझसे बट्टी नहीं कर रही, मुझसे बात भी नहीं कर रही, मुझसे खेल भी नहीं रही। तुम, मैं कोई गंदा बच्चा हूँ क्या? दुनिया में सबसे अच्छे हो आप। तो फिर वो मेरे साथ क्यों नहीं खेलती? आपको गुड़िया से थोड़ी सी दूरी बना के रखनी पड़ेगी। उसे डांटोगे नहीं, उसे डराओगे नहीं। मैं नहीं डराऊंगा। उस पे गुस्सा नहीं करोगे? नहीं करूंगा। आप खुश देखना चाहते हो ना अपनी गुड़िया को? Yes, yes. And then you'll meet her like a good boy. Like a good boy, I am. Good boy, that's my boy. फिर देखना गुड़िया आपके साथ खेलेगी और बहुत खुशी से खेलेगी। आइए, ये रही हमारी दुल्हन। देखिए, मुझे बिल्कुल क्लासी लुक दीजिएगा। ये देसी स्टाइल बिल्कुल यहाँ नहीं चलेगा। हमारी जानकी खुश दिखनी चाहिए। नई नवेली दुल्हन है, शास्त्री खानदान की बहू है, इसे जितनी जल्दी हो सके इन्हें तैयार कर दीजिए। भाभी, आपने वो साड़ी हमें पहनने के लिए क्यों दी? नहीं, आपको तो पता था ना वो साड़ी पहनने के बाद हमारे साथ क्या होगा, फिर भी आपने हमें दी। अच्छा, तो अब उस बात के लिए तुम मुझे दोषी ठहरा रही हो। भाभी ऐसा। जानकी, तुम्हें क्या लगता है कि तुम बाहर जाओगी, सबसे ये बात कहोगी और सब तुम्हारा यकीन कर लेंगे? ऐसा कुछ नहीं होगा। भाभी, हम आपको दोषी नहीं ठहरा रहे हैं, हम बस सच जानना चाहते हैं आपसे। तो सच ये है कि तुम्हारी किस्मत ही ऐसी है, फूटी हुई। और चाहे तुम कितना भी कुछ कर लो, किसी के पास भी चली जाओ, कुछ भी कह दो, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। अरे, रेडी कीजिए। आप लोगों में से किसी के पास फोन है? हमें ना एक कॉल करना है, सिर्फ एक कॉल अपने पापा को, दीजिए ना। मोबाइल तो था लेकिन बाहर सिक्योरिटी गार्ड ने ले लिया, बोला कि अंदर ले जाना मना है।